दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेकर। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज दिल्ली से पटना लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया मीसा भारती के साथ पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर हजारों कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के स्वागत में शामिल हुए और लालू प्रसाद यादव सीधे राबड़ी आवास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनता दरबार लगा दी है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, जयप्रकाश यादव, भोला यादव सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता और विधायकगण उपस्थित राबड़ी आवास पर हुए और सारे लोगों ने एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। लालू प्रसाद यादव ने जनता दरबार लगाया है और लालू प्रसाद यादव के आते ही बिहार की राजनीति में गर्मी आ गई, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का चयन भी होना है जिसमें मीसा भारती फाइनल है। एक सीट पर घोषणा अब तक नहीं हुई है। अब देखना है कि इस एक सीट पर किसे लालू जी भेजते हैं। साथ ही साथ 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार ने बुलाया है। जातीय जनगणना की मांग जबरदस्त रूप से उठी है और जातीय जनगणना कराने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। केंद्र सरकार ने हाथ उठा दिया और बिहार सरकार पर थोप दिया कि वो अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराए। उधर आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार वाला भी मामला चलता रहा। आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए, फिर पटना आएंगे। नामांकन की तिथि 31 तारीख तक है। अब आरसीपी सिंह को भी राज्यसभा जाना है। अब देखना है कि वो किस पाले में जाते हैं और किस दरवाजे से राज्यसभा जाते हैं, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने अब तक पत्ता नहीं खोला है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नजदीकियां जो बढ़ी है, उस नजदीकियों को देखते हुए कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति के भीष्म पितामह हैं और लालू प्रसाद यादव के आते ही बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के अलावे जातीय जनगणना का मुद्दा, जबरदस्त मुद्दा सरकार के पास, वर्तमान में बिहार सरकार के पास है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जातीय जनगणना कराने की बात है। भाजपा जातीय जनगणना कराने से पीछे हट रही है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नीतीश कुमार हैं कि कौन जाति की कितनी आबादी है, किसे कितना लाभ मिलता है, किसे और लाभ दिया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार ने पूर्व में ही बोला है। जातीय जनगणना का मामला काफी तेज है और 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव अभी लंदन में कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वही पति पत्नी हैं। इधर लालू प्रसाद यादव ने कमाल संभाला है। अब बिहार के राजनीति में उछाल आ चुकी है। 72 घंटे का अल्टीमेटम भी नीतीश कुमार ने दिया था विधायकों को पटना में रहने का, उसे भी देखा जा सकता है। आखिर क्या खिचड़ी पकड़ ही है, वक्त रहते ही पता चल पाएगा। भाजपा से दूरियां बढ़ी है और नीतीश और लालू की नजदीकियां बढ़ी है। क्या होगा नहीं होगा, राजनीति के हलकों में कई चर्चा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। जो भी खबर आवेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।